हुए थे आप? सुबह से। कितने लोग फंसे हुए थे घर में? पाँच जने। पिछली बार भी मंत्री जी आए थे, उन्होंने बोला था कि नाले का काम करवा देंगे, लेकिन अभी तक करवाया नहीं। और अपने वो स्पीकर साहब भी आए थे, उन्होंने भी बोला था कि नाले का काम करवा देते। दोनों बार आश्वासन दे गए, अभी तक कुछ काम हुआ नहीं। हम जो है वह किसी तालाब, टापू या किसी अन्य वाटर बॉडी के पास नहीं खड़े हैं। हम है कोटा शहर के अंदर, जहां से आते हैं शांति धारीवाल, यहां के यूडीएच मिनिस्टर। जी हां, आप देखिए कि जरा सी बारिश, 5-6 घंटे की बारिश, और शहर का काफी बड़ा हिस्सा जो है वह पानी के टापू में बदल गया है। शांति धारीवाल, जो कि विकास के बड़े बड़े दावे करते हैं, यूडीएच मिनिस्टर है, कुछ 1400 करोड़ रुपए जो है उन्हें शहर के विकास के लिए खर्च कर दिए, टेंडरिंग करा दी, लेकिन 8-9 घंटे की बारिश के अंदर ही ये शहर का हाल हो चुका है। लोगों का जीवन जो है, आप कल्पना कीजिए कि आपके घरों के अंदर जब 8-8 फीट तक पानी भर जाए, आप घरों के अंदर कैद हो जाए, बिजली का कनेक्शन कट जाए, तो आपके ऊपर क्या बीतेगी। यही हाल है कोटा के कौतल्य नगर में रहने वाले लोगों का, जिनका रोजमर्रा का जीवन जो है वह ठप हो चुका है। आप देखिए कैमरे के अंदर कैसे वो अपने घरों के अंदर कैद है। हमारे कैमरामैन मनीष आपको दिखा रहे हैं कि पानी का जो स्तर है, आप देखिए तकरीबन 8 फुट तक जो है वो घरों में भरा हुआ है, कई एरिया में ये 10-10 फुट तक है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो है वो यह दावा करते हैं कि हाड़ौती के अंदर उन्होंने विशेष पैकेज देकर, उनके जो यूडीएच मंत्री है शांति धारीवाल, कि हम करोड़ों रुपया खर्च करके कोटा को मॉडल सिटी बनाएंगे। लेकिन यह कैसा मॉडल है जो लोगों के सामने खड़ा किया जा रहा है, जहां 8-9 घंटे की बारिश के अंदर शहर नदी बन जाते हैं, लोग अपने घरों में फंस जाते हैं, और उनकी जो जीवन में बारिश जो है वह जी का जंजाल बन जाती है। लेकिन दाद देनी होगी एसडीआरएफ की टीम को, जो सुबह से यहां रेस्क्यू करने में कब से रेस्क्यू चल रहा है? ये रेस्क्यू दोपहर बाद से चल रहा है। कितने लोगों को अब तक रेस्क्यू किया जा चुका है? 50 से 55 लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है। अब ये कितना पानी सुबह कितना था? अभी तो फिर बारिश रुकी है, सुबह या पानी और कितना था? सुबह इसमें पानी 6 फीट से ऊपर ही है, 6 फीट से ऊपर है, उससे ऊपर 7-8 भी आया है, अब थोड़ा लेवल थोड़ा गिरा है। जल भराव का कारण, मतलब कब से ये जो जल भराव है, मतलब ये कब से बारिश शहर में हो रही है, और ये जल भराव कैसे बढ़ता गया, थोड़ा उसके बताइए। ये जल भराव कल शाम से बारिश हो रही है, और कल सुबह से ये स्थिति बन गई है, जब से बैराज के 15 गेट खोले गए हैं उसके बाद। तो आप ये देखिए कि जब से बैराज के 15 गेट खोले गए हैं, तब से स्थिति धीरे धीरे जो है कोटा शहर के कौटिल्य नगर में जो वह है बिगड़ती जा रही है। मैं एक बार कैमरामैन मनीष से कहूंगा कि आपको दिखाए कि लोग किस तरह से अपने घरों में जल भराव के कारण फंस चुके हैं। अब तकरीबन यह पानी उतरने में 36 से 40 घंटे तक का समय लग सकता है, या फिर उससे भी ज्यादा जो है का समय लग सकता है। और आपको बता दें कि एसडीआरएफ के साथ साथ जो लोकल पुलिस है वो भी लगी हुई है लोगों को रेस्क्यू कराने में। बड़ा सवाल ये है कि बारिश जिम्मेदार है इस जल भराव के लिए या प्रशासन की लापरवाही। आप देखिए किस तरीके से जो है लोग अपनी छतों पे बंद है, बिजली की सप्लाई जो है यहाँ पे लगातार ठप है, लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि किस तरीके से वह उनको राहत मिलेगी, निजात मिलेगी, क्योंकि रात को रेस्क्यू करना प्रशासन के लिए भी एक बड़ी चुनौती हो जाएगा। कब जागेगी, कब जागेंगे नींद से यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल, कब वह अपना राजनीति को छोड़कर अपने शहर की तरफ भी थोड़ा ध्यान देंगे। कागजों में करोड़ों रुपए बहाया जा रहा है, लेकिन हकीकत आपको दिख रही है, यहाँ के लोगों को दिख रही है। कैमरा पर्सन मनीष के साथ जय किशन शर्मा।